हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं सुमित शर्मा आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही अमेजिंग और क्रिएटिव एडिटिंग जो कैसे की जाती है पिक्सआर्ट से। हमने पिक्सआर्ट में फ़ोटो को ओपन कर लिया है और मैंने इसे रिसाइज कर लिया है। रिसाइज से क्या होता है, फ़ोटो के पिक्सल्स बहुत ही क्लियरिटी से आ जाते हैं। तो ये देखिए, और इसको मैं थोड़ा बैकग्राउंड को रीटच कर लेता हूँ इसी पिक्सआर्ट के अंदर। इसकी थोड़ी क्लियरिटी और ब्राइटनेस वगैरह थोड़ा चेंज कर लेता हूँ जिससे बैकग्राउंड हल्का नहीं लगे। और इसके बाद हम जाएंगे एड फोटो पे, और एड फोटो पे जाने के बाद हमने जो फ़ोटो लगानी है उसे हम ऐड कर लेंगे। जो हमारी पीएनजी होगी उन्हें हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखो पीएनजी ले ली, पर यह आज थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे वापस ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखो मैंने दूसरी पीएनजी ऐड कर ली है, और इस पीएनजी को मैं हटाने वाला हूँ, ऊपर वाली को, इसे आप हटा दो। ये मैंने दूसरी पीएनजी ऐड कर ली है, और इस पीएनजी को मैं सेट करने वाला हूँ अपनी साइज़, फ़ोटो साइज़ के हिसाब से। तो बैकग्राउंड को बिल्कुल इस तरीके से रखना है जैसे फ़ोटो थोड़ा रियलिस्टिक लुक लगे, थोड़ी फ़ोटो रियलिस्टिक लगे। आपको बिना रियलिस्टिक वाली फ़ोटो कोई नहीं लेनी है। और ये याद रखना, फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते हो आप या सीखना चाहते हो तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि फ़ोटो जितना हो सके उतनी HD क्वालिटी में होनी चाहिए, और बैकग्राउंड से मैच खाती हुई होनी चाहिए, बैकग्राउंड से अदर नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अपनी PNG सेट कर ली है, वो जिसे थोड़ी सी और नीचे, हाँ थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है मुझे, मैं इसे सेट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पीछे थोड़ा PNG बनाने में थोड़ी मिस्टेक थी, मैं उसे इरेज कर लेता हूँ। और ये मैंने इसे यहाँ से इरेज कर लिया है। अब मैं वापस जाने वाला हूँ एड फोटो के अंदर, और मैं एड फोटो से मुझे एक वाइन ग्लास चाहिए होगा जो मेरे पास PNG है। आपको ये PNG चाहिए हो तो मैं अपने वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से ये PNG डाउनलोड कर सकते हो अगर आप भी इसी फ़ोटो एडिट करना चाहते हो तो। मैं यहाँ पे ये PNG इसलिए सेट कर रहा हूँ गाइस क्योंकि थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, और ये रियलिस्टिक होना चाहिए कि हाँ ये मतलब कि जो ग्लास है वो हाथ में लगना चाहिए, कुछ अलग से नहीं लगना चाहिए जैसे ऊपर से लगाया हुआ है वैसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि PNG जितनी अच्छी लगी होगी फ़ोटो में, फ़ोटो का लुक उतना ही अच्छा आने वाला है। तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ। तो गाइस हमारी PNG थोड़ी बहुत सेट हो चुकी है, और हम इसे और भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि हमें लुक अच्छा दिखे। कोई पता नहीं चल सके कि ये हल्की है या फिर ऊपर से लगाया हुआ है वैसा कुछ, तो उसके लिए मैं थोड़ा उसे और थोड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसे कर लिया। अब इसे और भी हमें क्रिएटिव बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है शेडो। फ़ोटो के अंदर शेडो का बहुत मेन काम होता है ये समझ लो आप। तो मैंने यहाँ से शेडो दे लिए, अब इसे मैं शेडो को हाईलाइट कर लेता हूँ अपनी फिंगर्स पे ताकि पता चले कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से मैंने ग्लास पकड़ा हुआ है। और इसमें थोड़ा क्या है, ऑरेंज कलर भी आ जाएगा तो उससे थोड़ा लुक वैसा लगेगा कि मैंने ग्लास में से थोड़ा कुछ रेड जो रंग है वो उसके कलर से मैच हो जाएगा, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। आप भी अपनी फ़ोटो में शेडो डाले तो आप भी उसे थोड़ा हाईलाइट कर देना, क्योंकि हाईलाइट्स करने से होता क्या है यार, फ़ोटो में थोड़ा अलग ही लुक आ जाता है, फ़ोटो अलग ही दिखने लग जाती है। और यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो फ़ोटो को थोड़ा रियलिस्टिक लुक देती है, जो थोड़ा फ़ोटो को थोड़ा रियल बनाती है। तो मैंने यहाँ से तो ये कर लिया, पर ये क्या थोड़ा ज़्यादा हार्ड लग रहा है मेरे को, मुझे थोड़ा कम भी था इसलिए मैं इसे थोड़ा वो सेट कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा फिंगर पे आ रहा है थोड़ा, और नीचे तो
यहाँ से आप इसे बिल्कुल अपने हिसाब से जो एडजस्ट कर सको वो एडजस्ट कर लेना। और मैंने आपको पहले बोला था फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो आपको तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ऑफिशियल सुमित 7240, और मैंने उसका आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो मेरे अकाउंट को। और आप मुझे मेरे को मैसेज कर सकते हो जो भी आपको हेल्प चाहिए, और जो भी मेरे से होगा वो मैं कर लूँगा। ठीक है गाइस, ये मैंने इसे थोड़ा कर लिया है सेट, तो ये PNG भी हमारी सेट हो चुकी है। अब इसमें हमें करना क्या है, एक PNG लेनी है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ मेरी फ़ोटो के अंदर। वो PNG है ये ऊपर सन वाली जो PNG है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लिंक से डाउनलोड कर लेना। ये अधिकतर फ़ोटोज़ में मैं यही PNG यूज़ करता हूँ, क्योंकि इस PNG से होता क्या है, थोड़ा फ़ोटो रियल लगती है, और इससे क्या होता है फ़ोटो और बैकग्राउंड का कलर एक साथ मैच हो जाता है। ये देखो मैं इसे पहले सेट कर लेता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि ये सेट कहाँ पे होगी, जिससे फ़ोटो और बैकग्राउंड दोनों मैच खा जाए। तो जस्ट मिनट, मैं इसे थोड़ा रीसेट कर लेता हूँ। आई थिंक यहीं पे बेटर रहेगी, जो जिससे ये हैंड और पीछे जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर दोनों के ऊपर लुक सही आएगा। नहीं हाँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसे सेट कर लिया है, तो इससे थोड़ा अच्छी भी लगेगी, और इसके ओपेक्सिटी में फुल रखूँगा, जिससे कि पता चले कि सन की रेज जो अपने ग्लास पे भी आ रही है एंड अदर बैकग्राउंड पे भी आ रही है, तो उससे क्या है बैकग्राउंड मैच खा जाता है फ़ोटो से। तो यहाँ से मैंने कर लिया है, और इसमें एक PNG और है मेरे पास, मैं वो PNG सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो PNG ऐड करूँगा इसमें। तो ये सारी PNGs आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वहाँ से मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसे। ये PNG बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि थोड़ा नीचे नीचे शेडो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीचे से फ़ोटो सबसे बड़ी बात होती है, फ़ोटो फेक लगती है नीचे से। तो इसमें थोड़ा ब्लैक, अगर ओकेज़न आ जाए थोड़ा ब्लैक कलर का, थोड़ा सेचुरेशन बढ़ जाता है, तो उसमें ये थोड़ा मैच खा जाती है बैकग्राउंड से। और गाइस सॉरी मैं इस बार वीडियो लेट बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ टाइम का इशू था यार, तो सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। और आपको अगर फ़ोटो एडिटिंग सीखनी है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट ज़रूर करें, मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूँ आपका सपोर्ट करने के लिए। मैंने वो PNG ऐड कर ली है, अब एक PNG और है जो स्टार्स वाली है। ये PNG वैसे ज़्यादा खास है नहीं, अगर आपको यूज़ लेना हो तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं भी लो तो चल जाएगा। मैंने थोड़ा कुछ बैकग्राउंड को ऐसे सोच के ये PNG क्रिएट की थी, और उस हिसाब से मैंने ये PNG यहाँ लगाई है। तो आप अपने हिसाब से फ़ोटो के हिसाब से देख लेना, अगर आपकी सेट होती है तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है कि हमें सेट करना ही है ये PNG। मैंने इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर ली है, और फ़ोटो को मैं डन कर लेता हूँ। देखिए मैंने डन कर ली, और इसमें आगे चलते हैं, ताकि अपने फ़ोटो एडिटिंग का जो लोगो है, जो लोगो, क्योंकि यार लोगो देना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि दूसरों को पता चल सके, कहीं पे अपने फ़ोटो वायरल होती है, कोई भी दूसरा बंदा इसे यूज़ लेता है तो उससे पता रहता है कि यार किस बंदे ने फ़ोटो बनाई है, तो उससे थोड़ा नाम भी रहता है। इसलिए हमेशा मैं अपनी फ़ोटो पर लोगो ज़रूर डालता हूँ, और मैंने इस लोगो का वीडियो भी बना रखा है। अगर आपको भी ऐसा लोगो बनाना है तो आप मेरी दूसरी वीडियो चेक कर सकते हो, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप मेरे चैनल पर भी जा सकते हो ऑफिशियल एडिटिंग 07, तो वहाँ से भी आप मेरे वीडियो को देख सकते हो, मैंने उसकी PNG दे रखी है। और आप लोगो जब भी सेट करो तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि लोगो हमेशा बीच में नहीं होना चाहिए, फ़ोटो के कॉर्नर या साइड में होना चाहिए, जिससे कि फ़ोटो थोड़ी अलग लगे, वैसे पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बीच में देने से यार अजीब हो जाती है फ़ोटो, थोड़ा फटने भी लग जाती है। तो ये मैंने देखो इस साइड में जैसे इस कॉर्नर में लिया है, वैसे आप भी हमेशा राइट साइड या लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर यूज़ ले सकते हो। ये मैंने डन कर लिया है इसे, और आई थिंक मेरे पास कुछ ऐसा बचा नहीं है, मैं इसे जाता हूँ ड्रॉ टूल पे, और ड्रॉ टूल पे जाके मैं इस फ़ोटो को सेव करने वाला हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सेव करने से फ़ोटो थोड़ी क्वालिटी डाउन होती है,
तो आप भी अगर पिक्सआर्ट यूज़ लेते हो तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आपको ड्रॉ टूल पे सेव करनी है। इसके बाद मैंने इसे फ़ोटो को गैलरी में ओपन कर लिया है और मैं थोड़ा फेस जो मेरे डार्क सर्कल्स वगैरह कुछ भी जो पुंसे वगैरह कुछ भी होंगे तो उसे साफ़ करने के लिए इसे मैं फ़ोटो को यूज़ लूँगा और इसे ओपन करूँगा ऑटो डेस्क में। स्केच बुक होता है ये ऐप, आप नहीं जानते हो तो देख सकते हो इसको। और जो मैंने इसकी तो सेटिंग्स वगैरह सेट कर रखी है, अगर आप चाहो तो मैं इसको बता देता हूँ। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको रूलर जो होगा उसे अपने फेस के ऊपर फेर लेना है जिससे कि आपके जो भी दाग धब्बे कुछ भी होंगे वो दिखेंगे नहीं इतने और थोड़ी जो फ़ोटो होगी वो क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैं इसे थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। इंजॉय वीडियो। अब हमने फ़ोटो क्लियर तो कर ली पर इसे रिटच करना बहुत नेसेसरी होगा, तो हम चलो इसे रिटच भी कर लेते हैं। इसलिए हम इसको ओपन करेंगे लाइट रूम ऐप में। अगर आपको नहीं पता है भाई लाइट रूम ऐप में अगर फ़ोटो कैसे रिटच करते हैं तो आप मेरे पुराने वाली वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उसमें बता रखा है कि लाइट रूम ऐप से कैसे फ़ोटो को रिटच किया जाता है। तो चलो हमने फ़ोटो को भेज दिया लाइट रूम में, उधर लाइट रूम में इसे फ़ोटो को ओपन कर लेंगे। थोड़ा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा सेकंड 2 सेकंड का, क्योंकि फ़ोटो को अपलोड होने यहाँ पे टाइम लगता है। हमारी फ़ोटो आ चुकी है और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये फ़ोटो ओपन हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे ऑटो पे किया। कुछ फ़ोटोज़ में ऑटो का ऑप्शन यूज़फुल होता है पर कुछ फ़ोटोज़ में नहीं, तो आपको खुद सेट करना पड़ता है। तो आप अपने फ़ोटो के हिसाब से, मैं जैसे यहाँ पे सेट कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही सेट करो। आपके फ़ोटो में जिस चीज़ की जहाँ पे कमी हो उस चीज़ को वहीं पे यूज़ लेना है। जैसे कॉन्ट्रास्ट कम हो तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है और ब्राइटनेस कम हो तो ब्राइटनेस बढ़ानी है, और इसका बैलेंस थोड़ा इक्वल रखना है जैसे फ़ोटो और बैकग्राउंड सेम हो जाए। इसके बाद आता है कलर ऑप्शन। गाइस कलर ऑप्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कलर ऑप्शन में इसमें 2-3 कलर होते हैं जो चूजेबल होते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ से आपके फ़ोटो के मतलब कुछ पार्ट्स होते हैं जिनमें फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी फ़ोटो के बैकग्राउंड के हिसाब से, जैसे ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़े और जैसे फ़ोटो ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगे, फ़ोटो थोड़ी स्मूथ बनी रहे।
इसके बाद जाना है हमें यहाँ पे इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे, और हम इसे थोड़ा हार्ड कर लेंगे, क्लियरिटी थोड़ी 2-5% बढ़ा लेंगे, बीएच को भी हम थोड़ा बढ़ाएंगे, और विंटेज जो होता है इसे थोड़ा कम कर लेंगे, क्योंकि इससे फ़ोटो कॉर्नर्स पे ब्लैक शेडो आ जाती है जिससे थोड़ी फ़ोटो क्रिएटिव लगती है। तो हमने इसे बढ़ा लिया है। शार्पनेस को हम थोड़ी तेज कर लेंगे, डिटेल्स वगैरह, रेडियस वगैरह, ये हम हल्का हल्का सबको बढ़ा लेंगे। ये नॉइज रिडक्शन, डिटेल, कॉन्ट्रास्ट, स्मूथनेस थोड़ी बढ़ा लेंगे। बस फिर भी गाइस अभी फ़ोटो थोड़ा लुक में नहीं आई, तो इसके लिए हमें वापस जाना होगा कलर टूल के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे कलर टूल के ऑप्शन पे जाने के बाद ये नीचे आ रहा है टेम्परेचर, सेचुएशन, टेंट वगैरह, तो यहाँ से भी हमें थोड़ा फ़ोटो में लुक देना होगा कलर्स के हिसाब से। तो ये जो कलर ऑप्शन मतलब होंगे वो पूरे फ़ोटो के ऊपर यूज़फुल होंगे। तो आप देखिए कैसे मैंने इसको यूज़ लिया है। जैसे आपके फ़ोटो को आवश्यकता हो उस हिसाब से इसमें कलर आप चूज़ करना, एंड क्या बताऊँ अब मैं, अदरवाइज़ तो फ़ोटो ख़राब हो जानी है अगर आप खुद अगर ज़्यादा ले लोगे, जैसे मैंने बता रखा है इसमें वीडियो में देख लो, ज़्यादा करते ही फ़ोटो में थोड़ा लुक अलग आ जाएगा, और कम करते तो इसको ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है इसमें, या तो -5 से -7 तक बढ़ाना है, या +-5 या 7 तक लेके जाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और ज़्यादा कम या ज़्यादा करोगे तो ये देखो फ़ोटो में थोड़ा अलग ही वो हो जाएगा कलर का सेचुरेशन, और सेचुरेशन फ़ोटो की जितनी हो सके उतनी तो हमें कम करनी ही करनी है। तो मैंने यहाँ से कर लिया है, इस फोटो को कर लिया है सेव, हमारी फ़ोटो कंप्लीट हो चुकी है गाइस। मैं अपनी गैलरी में ओपन करके इसको आपको यहाँ से बता देता हूँ कि मैंने कितनी अमेजिंग फ़ोटो थी, कैसी थी, मैंने इसको कैसे क्या बना दिया, कैसे आपके सामने ओनली 10-15 मिनट लगे मेरे को एक फ़ोटो एडिट करने में, ज़्यादा हार्ड है नहीं, और आप भी कोशिश करते हो या ट्राई करते हो तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये देखो गाइस मेरी फ़ोटो थी ये जब हमने स्टार्ट किया था, एंड देन लास्ट में ये कितना अमेजिंग लुक आ चुका है फ़ोटो में रिटच करने के बाद में कितनी। थैंक यू सो मच गाइस, एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सपोर्टिंग।